नमस्कार बारवाटी धौल एक्सप्रेस को स्वागत कुछ मिनिमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। भुवनेश्वरी अंतराज्य चोरा बंधुक राकेट्र पर्दाफाश जंकियारू पांचटी चोरा बंधुक जबत दुई जण व्यापारी को गिरफ कला एसटीएफ ओडिशारे तैयारी होची देशी बंधुक 10,000 टंकारे डील करुछंती बाली माफिया ओ शिकारी। राति अध्या स्कूल उपरे चढ़ला बुलडोजर भांगिला चिंतामणीसर साई सरस्वती विद्या मंदिर गुंडा लगे जगा मालिक स्कूल भांगी अभियोग आने संपादिका सेपट अभियोग को खंडन कले जगा मालिक पिला भविष्य चिंतार अभिभावक। कटक्रे सक्रिय बाली माफिया बेआईन भावे चोरा चालाण होरटीआई में मिलूनी हिसाब सेपटे 42 मोजा झिंकिरिया अंचल 17 बाली बोझे हाइवा जबत बढ़िबार लगी इक्मो ट्रिटमेंट आवश्यकता पुणी चिकित्सा पाई ओडिशार देवकांत को करागला एयरलिफ्ट चेन्नईर एमजीएम हॉस्पिटल हेबो चिकित्सा आर्थिक सहायता पाई परिवार आकुल निवेदन। कोरोना काल में अमानिया मस्ती भुवनेश्वर कटकणा मानुन युवकों मस्ती क्यमेर है कैद रास्ता मझे किए बाइक स्टंट कर तो किए करो सुटिंग सेपटे पुलिस पेट्रोलिंग उठला प्रश्न। भुवनेश्वर अंतराज्य चोरा बंधुक राकेट्र पर्दाफाश कर एसटीएफ रणपुर जंकिया रास्त बंधुक डिल समय एसटीएफ खबर पाई चढ़ाउ करता सब बड़ कथा ओडिशारे तैयारी देशी बंधुक मात्र 10,000 टंका देले बंधुक मिलू आ बंधुक नेउछंती बाली माफिया ओ शिकारी तेरे घटन दुईज गिरफ होगा सहित अधिक तदंत चल पुलिस ना नहीं कथा स्पष्ट ओडिशारे आमर भी बंधुक तैयार होउछि बाहर भी आसुछि एवं कौ माने सेथि इन्वॉल्व ताकु आमे निश्चय एकदम पूरा पर्दाफाश करू। ओडिशारे तयारी होची देशी बंधुक 10,000 टंकारे मिलुची देशी रिवॉल्वर बंधुक नेउछंती बाली माफिया ओ शिकारी। राज्य में बेआईन बंधुक कारबार बढ़ी चलता बेले पुणी एसटीएफ पंजारे पड़ी चोरा बंधुक चालाणकारी रणपुर जंकिया रास्तार एमाने बंधुक डिल करुवा बेले एसटीएफ खबर पाई चढ़ाउ कर दुई जन को गिरफ करने पाखु 5 पिस्तल और रिवॉल्वर 5 एसबीएमएल बंधुक एवं 8 राउंड जीवंत गुली जबत कर बड़ कथा हो जबत बंधुक भितर अधिकांश ओडिशा तैयारी होता नहीं स्वीकार करएफ पूर्व राज्य में मुंगेर तैयारी विदेशी बंधुक जबत होता बेले एवं ओडिशा रे कारखाना बसई बंधुक तैयारी करा कम दाम रे अपराधी को बिक्री करा जनापड़ी। रणपुर जंकिया रास्ता रे दुई जन बेपारी ठिया होइथवार से माने देखिले तांको पाखरे दुईटा बस्ता रे से माने विपुल परिमाण रे ई जो बंधुक सब धरिथिले भेरिफिकेशन जना पड़ला जे उभयंक पाखरु ये जो बंधुक जीवंत गुली तांकर मोबाइल सब जप्ति करागला। गिरफ दुई अभियुक्त बसंत महाराणा और कृष्णचंद्र श्रीचंदन को नाम रे पूर्वर विभिन्न थाना रे बेआईन बंधुक कारबार मामला रही है सही मास्टर माइंड बसंत प्राथमिक तदंतरु बसंत इशारे ये बंधुक कारबार होता जमापड़ केउठू बंधुक आणुले और काहा को बिक्री करिथांते से दिगरे तदंत कर ये जो बंधुक आम जप्ति करछू रिवॉल्वर अच्छी सिक्सर अच्छी पिस्तल अच्छी ये जो आप देखुं एसबीएमएल भी अच्छी जीवंत गुली अच्छी युवाक बहुत मारात्मक ये मैंने कौन सी क्रिमिनल फ्रिमिनाल को देवे से बोध से धरीते जोटा कि आम तदंत में जापर गत वर्ष भितर 47 बंधुक और 84 जीवंत गुड़ जबत हो हेले देशी बंधुक छोटमोट व्यवसायी को एसटीएफ धरुवा बेले बंधुक कारखाना और तैयारी करुवा व्यक्ति पाखे पुलिस केबे पहुंचुची ताहा उपरे समस्त नजर। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन रोशन रथों रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
राताराति स्कूल उपरे चढ़ला बुलडोजर पिलामानकर स्कूल आसिबार स्वप्न भांगी गला। भुवनेश्वर चिंतामणीसर अंचल रिथिबा साई सरस्वती मंदिर स्कूल को भांगी देथिबार अभियोग होईछि। राती अधरे जमी मालिक पाखापाखी 50 भड़ाटिया गुंडा लगाई स्कूल घर को भांगी देथिबा अभियोग आनी स्कूल संपादिका लक्ष्मी पाणिग्राही। तेबे पिलामानकर भविष्यत को नै चिंतारे अभिभावक सेपटे किंतु जमी मालिक ए अभियोग को खंडन करछन्ते। स्कूल उपरे चढ़ला बुलडोजर जमी मालिक देखाइले दबंगिरी। स्कूल खोलिबा आगरु राताराती मिसिला माटी अंधार को ठेली होगला 300 पिलांको भविष्यत। राजधानी छाती उपरे देखिबा को मिलछि एमिति किछि दृश्य। राति अधिया गुंडा लगे चिंता मणीश्वर अंचल थिबा साई सरस्वती विद्या मंदिर को भांगी देथिबा अभियोग होछि। प्रत्यक्षदर्शी कहिबा अनुसार राति प्राय 1:30 50 रु अधिक गुंडा आसी आतंकराज खेलते। स्कूल संपादिका लक्ष्मी पाणिग्राही अभियोग अनुसार एसबू स्कूल घर थिबा जागा मालिक विनोद चंद्र महांती कराइछन्ति। तेबे स्कूल भांगिबा सह 4 कंप्यूटर आसबाबपत्र सर्टिफिकेट और 2,00,000 टंका नेइथिबा अभियोग होछि। सही वाला कहले कि तमे स्पोर्ट बुर्ग आस मु कहली स्त्री लोक रात गोटे बेल मु केमिति जीवी मु कहली जाय मु गले मो पई रिक्स कि पडियो से कहले आपण जेमिति हला आसंतु मु कहली सार आपण जाई बुली देखि आसंतु से आसी कहले किछि सब ओके अछि। ए सब बिनोचंद्र महांती आ ता पुओ सौम्यरंजन महांती कॉन्ट्रैक्टर प्रशांत जेना आ एही अछन जने ये अछन आगे ड्राइवर अछन दंडबाणी बराळ से आसी तांक ये रे सब हेजी आ गया। 26 तारिख दिन आ गया खोलीबा स्कूल बलि त कुहाला से त आसी कि संगे अतर्कित भाबरे आक्रमण करछनि मो उपरे आ गया आक्रमण भी करिया गु दौड़ी छन मु बिकळे आई आ गया पळी 1:30 रु 2 भितरे मौसा मते डाकिले आमे देखिलु से आसी कि गेट भांगु छन केते लोग छले भांगु आमो गेट उठु स्कूल गेट जाए 30 जन लोक थे शावल फावल धरिकी थे अस्त्र धरिकी डोजर से भांगे 1:30 रु 2 भितर प्राइवेट प्लॉट उपरे किए आस भांगे पुणी से शिक्षा अनुष्ठान पिला भविष्य तो अंधार ना ना तापर आसवापत्र के भांगा ये कौन गुंडाराज यहाँ ठीक कि सूचना अनुसार 2004 स्कूल स्थापन होगा जगह देवाई 2010 जगह मालिक 1,50,000 टंका नहीं किंतु स्कूल संपादिका स्वामी मृत्यु पर टंका हड़प करने चक्रांत करते 2 मास ते जगह छाड़ापी स्कूल संपादिका कही मात्र 9th-10th श्रेणी पिलांक अधा पाठ पढ़ा हो स्कूल छाड़ापी आ किसी समय मागते हेले एवं राताराति स्कूल मिशि जाटी घटना को नहीं लक्ष्मी सागर थाना रे मामला दायर होता बेले अंधार कुठेली हो जाए छात्र छात्री भविष्य ऑनलाइन रे पाठ पढ़ा होता पाठ पढ़ा जहाँ होता पुणे जो भंगा भंगी है पिला मैंने मेट्रिक केमी देवे आप चिंता करते तो, भविष्य कौन हम आम पेरेन्ट्स मैं सब मीट कर थाना को जाइलु तार किसी समाधान करने से भी आमको मानने टाइम देते सब कर कलापर भी कल बहुत लोक आसिक कड़े रात भांगी जहाँ भी करुझामणा भितर सब करता आम पिला भविष्य बर्तमान कौन स्कूल भांगे पढ़वु केमी आपे हमें दशम श्रेणी ना मेट्रिक परीक्षा दबू कम सब पढ़ले सिना मेट्रिक परीक्षा केमी दबु दुख लगुच जो स्कूल तैयारी करले हमें पाठ पढ़ू से जगह गोटे टेम्पररी स्ट्रक्चर करी से 2-3 वर्ष होगा स्कूल करेंगे मुझे कहली मैंने 2 वर्ष कहूँ घर खाली घर मो निज थी मुझे भड़ा देखिए रही है 2 वर्ष कहली घर खाली घर आर मुझे जहाँ किसी कहवा कथा मुझ सबू IIC पुलिस स्टेशन लिखित आगे दे दीजिए। चिंता मणीश्वर थिबा ए स्कूल रे प्राय 300 रु अधिक छात्र छात्री पाठ पढ़ती जगह बिवाद जो स्कूल माटी रे मिसि जाइतबा बेले एबे भविष्यत को नै चिंता रे छात्र छात्री अभिभावक। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन को सह रोशन रतंग रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बीजेपी महिला मोर्चार राज्य कार्यकारिणी बैठक शेष बैठक पर महिला मोर्चा सभापति स्मृति पट्टनायक प्रतिक्रिया 12 प्रसंग पर बैठक में आलोचना होती बीजेडी सरकार महिला सुरक्षा अभिवृद्धि और सशक्तिकरण केवल कागज कलम सीमित रही जाए केन्द्र सरकार महिला 13,000 टंका लेखाएं घोषणा कर मात्र राज्य में समस्त पाखे यह पहुंची पारे नारी सुरक्षा को नहीं भाषण मार्थवा राज्य सरकार मद विक्रेता पुरस्कृत कर स्मृति पट्टनायक आगामी दिन में यार प्रतिवाद कर बीजेपी महिला मोर्चा विक्षोभ
प्रदर्शन करजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंगार उपर सोशियाल मीडिया दि जा मंत्य को से दृढ़ निंदा कर आगामी दिन में बीजेपी महिला मोर्चा अधिक अधिक महिला निकटे पहुंचा सहित पंचायत निर्वाचन में 50% प्रार्थी देव बोली स्मृति पट्टनायक महिला सामाजिक स्थिति कौन आम प्रत्येक दिन खबर कागज रे देखुचे चोरा मद गंजे अफिम एवं जो ब्राउन सुगर धला जहर ये प्रत्येक दिन धरा पड़ी किंतु अपर पक्ष सेठी जी भल मद बिक्री करी पड़ी सरकार तंकु अवार्ड दूसरी सरकार तंकु पुरस्कार पुरस्कृत करपटे महिला घर भुशुड़ी जाउची सेपटे सरकार व्यवसाय करना टिकस नौ एवं टिकस नहीं कि सम्मानित करपटे बाटर जा गाड़ी को अटकईकना साफ सफे देवाक चाहते ओडावासी जे आम भी धला जहर भली धला पैजामे आम अच्छू आम देह दाग ना ये सब दिगक देखिले महिला असुरक्षित अच्छा सबू जिनस बाधक साजुच राज्य सरकार ये बाधक को आम आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चार राज्य कार्यकारिणी आम आज ये कथा को पारित करे ये कथा को आम दृढ़ निंदा करुचु एवं आगामी दिन में कथा को आधार करना पोषण को आधार करना आम रास्ता को ओल्लबार योजना कर कटक खाली हूँ नई बेआईन भाव चलाणी हूँ बाली सक्रिय रही बाली माफिया सूचना अधिकार आईन बल में मिलूना तार हिसाब जहाद्वारा कोटि कोटि टंकार राजस्व क्षति सोचते सरकार सेपटे कटक सदर थाना अंचल 42 मजा झिंकिरिया अंचल बेआईन भाव बाली चलाणी होता बेले चढ़ाऊ कर 17 बाली बोझे हाइवा जबत कर कटक सदर थाना पुलिस लुट होछि नदी बाली माफिया सक्रिय कटक्रे बेआईन भाव चली बाली चलाण राज्य राजकोष से लगुच चून बाली माफिया प्रशासन गैंगस्टर त्रिकोणीय मेली कटक महानदी काठजोड़ी सह उभय सहरांचल ग्रामांचल नईरु बेआईन भाव उठू बाली हाथ मारे केउठी केउठी पछमुचा दौर प्रशासन खाली एति नुहे कटक सदर तहसिलदार अंचल सरकारी भाव केते बाली उठा जा तार सटिक हिसाब भी ना कहीं बेआईन चलाण उपर चढ़ाऊ करा जाऊ नहीं किए बाली माफिया को सुरक्षा दूची ताकू नहीं एवं प्रश्न उठी ये जो बाली चलाण हो संपूर्ण चोरा चलाण हो जदि सठिक चलता था सूचना अधिकार आईन मान्यवर जो अधिकारी अच्छा डरुंच सूचना अधिकार आईन तथ्य देवाई ये संपूर्ण चोरा चलाण हो विभाग अधिकारी स्थानीय प्रशासन एवं जो अच्छा आम राजनेता समस्ते मिसिकी बाली चलाण कर कोटि कोटि टंका लुट कर यही लुट टंका विजु जनता दल पांठि की थर्ड फ्लोर को सेपटे आज कटक सदर थाना अंचल 42 मौजा झिंकिरिया अंचल बेआईन भाव बाली चलाण होता बेले चढ़ाऊ कर 17 बाली बोझे हाइवा जबत कर कटक सदर थाना पुलिस यार मालिक मानक 7 लाख टंकार जरिमाना आदाय कर पुलिस चढ़ाऊ बेले सठिक वाई फर्म और कागजपत्र देखाई पार ना कारण से गिरफ करने बाली बोझे हाइवा को जबत कर दीर्घ दिन धरी सदर अंचल में चली बेआईन टन टन बाली चलाण यहाद्वारा सरकार कोटि कोटि टंकार राजस्व हानि होता तेरे आगक चढ़ाऊ अभियान जारी रही जोन एसपी कहते चढ़ाऊ टोटाल 17 गाड़ी लोडेड बाली गाड़ी धराई 17 जन को भी डिटेन कर गाड़ी डिटेन कर विरुद्ध आईनगत कार्यानुषान ग्रहण कर थरे कि दुई थर नुहे बारंबार बेआईन भाव बाली चलाण होता नहीं खबर प्रकाश कर दृढ़ कार्यानुषान जहाँफल कोटि कोटि टंकार राजस्व क्षति सहुचार सरकार कटक रो कैमरा पर्सन गौतम महांती इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज
ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 45ରେ 5 ବର୍ଷରୁ ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ହୋଇନଥିବାରୁ ବିଏମ୍ସି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ବାସାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସାଂସଦ। ପୋଖରୀ କାମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଯେତିକି ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର। ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016ରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିପାଇଁ 6,62,32,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ ଏହା ଏକ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଯେ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର କରାଯାଇଛି ସେଇ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା ବି ରହିଛି, ସେ ପଥରଟା ବି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାମ ହୋଇନାହିଁ, ସନ୍ତୋଷଜନକ କାମ ହୋଇନାହିଁ। 6,69,33,000 ଟଙ୍କା ବହୁତ ବଡ଼ ରାଶି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ସେଇଟା, ଯେ ଯଦି ଏଇ ଟଙ୍କା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା 2016ରେ ଯେତେବେଳେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା ଓ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ସେଇ ଏରିଆଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, କାମ ଅଳ୍ପ ହୋଇଛି, ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାଟା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଶା ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଶି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କାହିଁକି 6,69,33,000 ଟଙ୍କା ଆଦରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କଲା ପରେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହେଲେ କାମ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଇକ୍ମୋ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା। କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଇକ୍ମୋ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ତେବେ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏହାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ରଞ୍ଜାଗୋଲା ଅଞ୍ଚଳର 39 ବର୍ଷୀୟ ଦେବକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବୃତ୍ତିରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ଜିଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ପାଖାପାଖି 60,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି 20,00,000ରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୌମ୍ୟା ସୁମିତ୍ରା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ନର୍ମାଲ ୱାର୍ଡରେ ରହିଲେ ନର୍ମାଲ ୱାର୍ଡରୁ ଆଇସିୟୁକୁ, ଆଇସିୟୁରୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ଇକୁମୋ, ଇକୁମୋରୁ ସେ ଭଲସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେନି ଏବଂ ବହୁତ ଅବହେଳା କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୁଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି। ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ଛୋଟ ପୁଅଟି ଆଉ ବିଧବା, ତେଣୁକରି ମୋର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଦେବକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ଘରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଦରକାର ଥିବାରୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବକାନ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେବକାନ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେ ଓ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନମ୍ବର 8338018066 ପଇସା ପଠାଇ ପାରିବେ। ସେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସେଥିରେ ଟଙ୍କା 60,00,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ଆହୁରି 20,00,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଭଳିଆ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ତଥାପି ସରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେମିତି ଏତିକି ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପଇସା ପତ୍ରରେ ଟିକିଏ ଆମେ ଟିକିଏ ଭଲ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସଂସାର ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଭାସିଯାଉଛି ଟିକିଏ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ହେବ, ଆମ ଲୋକ ସେଠିକି ଯିବେନି। ଆଉ ଯଦି ବି ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ସେ ପଇସାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ସେମାନେ ଫେରାଇଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପମାନର କଥା। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ କମୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଇକ୍ମୋ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଖବର ଜାରି ରହିବ, ସମୀକ୍ଷା ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର। ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାଗତ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଡ଼ପାଳତି।
समय बुलेटिन को रखा नमस्कार।